अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विंटेज कलेक्शन। आज मैं आपको एक फ्लैट सर्कल का फॉर्मूला बताऊंगी और बताऊंगी वो कैसे बनता है। फ्लैट सर्कल आप हाफ डबल क्रोशे में भी बना सकते हैं और डबल क्रोशे में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है कि पहले राउंड में हमेशा 12 बनते हैं, ठीक है, चाहे वो आप हाफ डबल क्रोशे बनाएं चाहे डबल क्रोशे बनाएं। सेकेंड राउंड में बनते हैं 24, थर्ड राउंड में बनते हैं 36 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 12 होता है, 12 का टेबल इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। 12, 24, 36, फोर्थ राउंड में 48, सही जी। इस तरह ये आपका चलता रहता है जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है। सर्कल आप अपने बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक कोस्टर्स में बना सकते हैं, इसके अलावा हॉट पैड्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप सर्कल बना सकते हैं, तो आपको बड़ा हेल्प करता है क्रोशे का, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। मेरा जो है शुरू करने का स्टाइल वो ये है कि मैं जो हूँ मैजिक सर्कल से शुरू करती हूँ। मैजिक सर्कल का ये है कि आप देखें कि जब ये इसका जो है कि सही तरह बने, तो आप इसका छोटा वाला जो है छोटा वाला एंड अगर खींचेंगे और इसका सर्कल कम होना शुरू हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपने बिल्कुल सही बनाया इसका लूप जो है, जो सर्कल जिसमें आप अभी काम करेंगे। अच्छा, मुझे पहले 12 बनाने हैं। 12 का मकसद ये है कि मुझे क्या कहते हैं, फर्स्ट मैं बनाऊँगी, मैं हाफ डबल क्रोशे का बनाती हूँ, फर्स्ट मैं दो आपको चेंज बनाती हूँ, ये मेरी फर्स्ट डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। अब मुझे 11 और हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं ताकि पूरे 12 हाफ डबल क्रोशे हो जाएं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड 11। इस तरह ये हमारे पूरे 12 बन गए। इसको मैं थोड़ा सा टाइट करूँगी और मैं ये कहाँ स्लिप स्टिच करूँगी, मेरा ये जो फर्स्ट सेकंड जो मेरा आ रहा है चेन, उसमें मैं जाके इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये बन गए मेरे 12, खींचें थोड़ा सा ताकि ये बन जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो राउंड है इसमें आपको 24 बनाने। 24 का मतलब है कि आप हर स्टिच में आपको टू टू करने, चाहे वो टू डबल क्रोशे हो चाहे वो टू हाफ डबल क्रोशे हो। अब मेरे हाफ डबल क्रोशे का बना रहे हो तो मेरे उसमें टू हाफ डबल क्रोशे बनेंगे, ठीक है जी। चेन टू सबसे पहले करूँगी, ठीक है, जो मेरा नंबर पहला बन जाएगा, पहला हाफ डबल क्रोशे। इसी के अंदर सेम के अंदर मैं डालूँगी स्टिच के अंदर और एक और हाफ डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो ये बन गया मेरा टू हाफ डबल क्रोशे एक में, इतना सब में मैंने टू टू हाफ डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में वन, टू, टू हाफ डबल क्रोशे इन ईच स्टिच, वन एंड टू। वन एंड टू, हाँ जी। अब मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, मेरे पास अभी 24 हाफ डबल क्रोशे आ गए, मैंने काउंट कर लिए। अब मैं उसी तरह चेन टू में इसको स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है जी, ऐसे करके। अब
हमेशा इसका रूल ये होता है कि पहले आपको पहला स्टिच हमेशा दो दो बनता है, टू हाफ डबल क्रोशे सेम या टू डबल क्रोशे सेम। तो वही चेन टू करा मैंने और दूसरा हाफ डबल क्रोशे सेम है। इस राउंड में आप क्या करेंगे, दो हाफ डबल क्रोशे सेम, फिर एक नेक्स्ट में खाली हाफ डबल क्रोशे, सिंगल हाफ डबल क्रोशे और देन टू हाफ डबल क्रोशे सेम में, वन टू सेम में, ठीक है। फिर वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, देन नेक्स्ट स्टिच टू हाफ डबल क्रोशे सेम, वन टू, फिर नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच टू हाफ डबल क्रोशे, वन टू, इस तरह सो ऑन। हाँ जी, अब ये मेरे पूरे राउंड थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी चेन टू के अंदर। अच्छा जी, अब मुझे राउंड फोर्थ करना है। सेम फोर्थ में भी वही, सबसे पहले चेन टू करूँगी, फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे, ठीक है, और सेम एक और हाफ डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच, उसी सेम स्टिच में, ठीक है जी। यहाँ हमने एक गैप, पहले दो हाफ डबल क्रोशे किए थे, फिर एक में एक किया था, फिर नेक्स्ट में दो किए थे, यहाँ फर्स्ट में दो करेंगे और अब दो के गैप से करेंगे। लाइक यहाँ पे आपने दो में सेम किया है हाफ डबल क्रोशे, आप दो स्टिचेस में खाली वन हाफ डबल क्रोशे करेंगे, वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट, वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट में, और उसके बाद टू हाफ डबल क्रोशे सेम में, वन एंड टू, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में फिर टू हाफ डबल क्रोशे, वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट, वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में टू हाफ डबल क्रोशे सेम में, वन टू, इस तरह करके पूरे फ्लैट सर्कल बनेगा। इसको मैं फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपने किया 12 हाफ डबल क्रोशे, सेकेंड राउंड में आपने किया टू हाफ डबल क्रोशे सेम में, जो बनी 24 स्टिचेस, ठीक है, 24, 36 स्टिचेस, 48 स्टिचेस, ठीक है। थर्ड राउंड में आप करेंगे, सबसे पहले में टू हाफ डबल क्रोशे सेम में और वन हाफ डबल क्रोशे एंड देन सो ऑन, यही चलेगा, टू हाफ डबल क्रोशे सेम, वन हाफ डबल क्रोशे, फिर टू हाफ डबल क्रोशे सेम, फिर वन हाफ। फोर्थ राउंड आ गया, इसमें वही सबसे पहले आप टू हाफ डबल क्रोशे सेम में करेंगी और फिर वन हाफ डबल क्रोशे एंड देन वन हाफ डबल क्रोशे, इतना करके ये पैटर्न चलेगा। फिफ्थ में देखा जाए, फिफ्थ राउंड में शुरू वही टू हाफ डबल क्रोशे से शुरू होगा सेम में, और जिस तरह आपने वन वन किए या वन टू थ्री करेंगे, वन टू एंड थ्री, ठीक है, और यही पैटर्न चलता रहेगा। इसमें आपकी हो जाएंगी 60 स्टिचेस पूरी। तो ये जो है ये आपका पूरा होगा, इस तरह से आपका बिल्कुल एक फ्लैट सर्कल बनेगा जो आपको हर चीज़ में काम आएगा। बल्कि यहाँ मैंने कुछ बना के भी, चले खैर, चले, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।